एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे चैनल पे। ये प्लांट आप सबको शायद याद होगा, मैंने 12 नवंबर को उसको ट्रांसप्लांट किया था, जहां से मैंने प्रोपगेट किया था यूनिक टेक्निक से। तो उसमें ग्रोथ देख सकते हो इतने दिनों में, कुछ यहां से इतनी स्वेलिंग हो चुकी है और अभी जो भी ग्रोथ होगा उस पर कुछ ना कुछ अटैक हो सकता है, इंसेक्ट का मिली बग भी लग सकते हैं, कुछ ब्लैक कलर में जो लगते हैं वो भी आ जाएंगे, जो सब्जियों में दिखाई देते हैं वो सब स्वेलिंग को रोक देते हैं बढ़ने में, और अपना जो प्लांट का लीफ है वो सिकुड़ने लगता है। वो बोगनवेलिया में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो मिली बग का भी अटैक हो सकता है। तो इस वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ भी एक है, एक ही दिखाई दे रहा है, तो मैं उसको हाथों से निकाल दूंगा। तो अगर इंसेक्ट अभी शुरुआती दिनों में ही आए हैं तो उसको हम निकाल सकते हैं अपने हाथों से। यहाँ सब लगे हैं थोड़े, शायद बहुत कम है, तो उसको हम हाथों से भी निकाल दें तो अच्छा रहता है। और यहाँ मैंने कोई जंप भी देखा है जो कि पत्तों को खा रहा था, शायद अभी निकल चुका है। तो अपने प्लांट का ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है, टाइम टाइम से अपने प्लांट का ऑब्जर्व करते रहे। यहाँ भी देखिए थोड़ा इन्फेक्शन लगा है, वो मैं हाथों से हटा देता हूँ और बाद में। तो अगर जब कोई इन्फेक्शन दिखे तो उसको हाथों से निकाल दे, अभी कम है। तो नए लीफ अभी जो आएंगे किसी भी प्लांट में अगर ग्रोथ होता है, जो कि अभी कुछ ही प्लांट में होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। तो मैं उस पर नीम ऑयल का छिड़काव करता हूँ, जिससे ये अटैक ही ना लगे ज़्यादा। मगर यहाँ कुछ सब्जियाँ भी है तो उसकी वजह से उस पर आ गए थे, तो उसके लिए हमें थोड़ी सावधानी रखनी होती है। और मैंने एक बात की थी, यहाँ थोड़ा डेड वुड है, वैसे तो हम ज़्यादा प्रिजर्व नहीं कर सकते फाइकस में, मगर फिर भी मेरे पास लाइम सल्फर है तो मैं आज उस पर अप्लाई कर दूँगा। अगर कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मगर आज फिर से देख लेंगे। अगर हम बहुत से वीडियो देखेंगे तो उसमें वॉश आउट करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ता है, तो अभी कुछ छोटे से पार्ट में लगाना है तो वो सब हम स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्लीनिंग ज़रूरी है, जो मैंने थोड़ा कर भी दिया है। जो वो निकल सकता है उसको निकाल दे, और बाद में हम छोटा सा पार्ट है तो कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और उस पर हम इजीली लाइम सल्फर लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि आपके स्किन के साथ ज़्यादा टच ना हो और सोइल पे ना गिरे सोइल मिक्सर। तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ लाइम सल्फर प्रोटेक्शन के लिए, मेरे नीचे प्लास्टिक भी सा दिया है, मेरे 4-5 वीडियो में दिखा चुका हूँ। वैसे तो फाइकस में डेड वुड ज़्यादा नहीं होता, मगर ये इनबिल्ट है, पहले से ही है, तो थोड़े दिन रहेगा तो ठीक है। अगर लाइम सल्फर पिक की वजह से ज़्यादा दिन भी रहता है तो भी अच्छी बात है। तो इसलिए मैं उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करूँगा, जिससे ये ज़्यादा दिनों तक रह जाए। अगर लाइव पार्ट में ये लाइम सल्फर टच नहीं होना चाहिए, मगर अगर वो प्लांट का भाग जिसको हमने कार्विंग नहीं किया है तो थोड़ा बहुत लग जाए तो कोई हानिकारक नहीं है। लोगों ने उसको कार्विंग करने के बाद आप अगर लगा रहे हैं लाइम सल्फर, तो वो पार्ट प्लांट का ओपन होता है और उसमें अगर लाइम सल्फर चला जाए तो शायद कुछ नुकसान हो सकता है या जल भी सकता होगा। तो कार्विंग करने के बाद आप लाइव पार्ट पे
लाइम सल्फर ना अप्लाई होने दे या लगने दे, तो इतनी सावधानी तो ज़रूर रखनी है हमें। तो लाइम सल्फर लगाने के बाद प्लांट का लुक बदल जाता है और अच्छा भी लगता है लोगों को, क्योंकि ये ट्रेडिशनली एक्सेप्टेबल है, पहले से लगा रहे हैं लोग। तो एक खूबसूरत की तरह उसको सबने एक्सेप्ट किया है कि लाइम सल्फर अच्छा दिखता है, तो अच्छा दिखता है। और उससे फ़ायदा होता है तो अच्छा है। अगर आप लोगों को भी मिल जाए तो इस तरह से आप अपने प्लांट की प्रिजर्व कर सकते हैं डेड वुड को। तो अगर कार्विंग के बाद लगा रहे तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी आप लोगों को। वैसे ये पानी से रोटन होता रहता है, पानी से प्रोटेक्ट करता है या नहीं ये लाइम सल्फर, ये तो हम कह नहीं सकते, मगर जम से ज़रूर करता है। कुछ टॉप पर्सन में भी है डेड वुड, तो वहाँ भी मैं कुछ लगा लेता हूँ। थोड़ा बचा है तो जितना बचा है उतना लगा लूँगा मैं। वैसे ऐसी संभावना नहीं है कि ज़्यादा दिन तक ये, मुझे नहीं लगता इसमें फाइकस का जो वुड होता है वो अच्छा प्रिजर्व कर सकते हैं, मगर वो मौसम की वजह से भी ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट में अप्लाई करें। प्लांट को तो मैंने ट्रांसफ़र किया है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। अब रॉयल रेंज सोइल दिया हुआ है तो जल्दी से स्प्रिंग आते आते अपने रिदम पकड़ लेगा ये प्लांट, और एक बहुत ही अच्छी तरह से ये सेमी कैस्केड स्टाइल में भी डेवलप हो सकता है उस ब्रांचों को। बाद में थोड़े दिनों में हम, अगर प्लांट अच्छे से स्टेबल हो जाता है तो हम वायरिंग भी कर सकते हैं स्प्रिंग से पहले, जिससे स्प्रिंग में जो भी कोई ग्रोथ होगा वो वेल सेफ और वेल मेंटेन रहेगा। तो थोड़ा सा प्लांट फॉर्म हो जाएगा वायरिंग से। देखिए लुक बदल चुका है प्लांट का लाइम सल्फर लगाने के बाद। तो एक दो कोट लगा सकते हैं, या आप तो बार बार लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सूखने के बाद फिर से लगाए। तो चलिए दोस्तों, जितना था उतना मैंने लाइम सल्फर अप्लाई कर दिया है। टॉप पोर्शन मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता, उसको मैं कार्विंग से निकाल दूंगा बाद में। तो केवल उसमें मैं जो भी बचा हुआ लाइम सल्फर है वो मैं लगा रहा हूँ। वैसे अभी तो उसमें कुछ कार्विंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट को मैंने अभी अभी लगाया है 12 नवंबर को, तो ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो प्रोटेक्शन के लगाया था वो हमने निकाल दिया है, प्लांट को एंकरिंग किया है मैंने आज, तो ये बहुत ही जल्दी हम इस तरह से हार्वेस्टेड प्लांट से बहुत ही अच्छा मूवमेंट वाला प्लांट हम बना सकते हैं दोस्तों। तो ज़रूर हार्वेस्टिंग कीजिए सीज़न में, आप स्प्रिंग में भी ले सकते हैं हार्वेस्टिंग, और मॉनसून में तो आप कोई भी प्लांट को हार्वेस्टिंग करके मेरे ख्याल से लगा सकते हैं और सक्सेस भी मिल सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।